किसी भी शहर की सबसे मुख्य सड़क उस शहर का परिचय पत्र होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है। जब भी कोई बाहर से लोग आते हैं, जब उस सड़क से गुजरते हैं तो उनको एक छवि बनती है कि शहर वास्तव में कैसा बसा हुआ है। और यकीन मानिए, अभी मैं राजसमंद जिला मुख्यालय की सबसे मुख्य सड़क पर खड़ा हूँ, उसके एक डिवाइडर पर खड़ा हूँ। और मुख्य सड़क का अंदाज़ा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि इसी सड़क पर राजसमंद के सभी गणमान्यों के मकान हैं, इसी सड़क किनारे सभी प्रमुख कार्यालय हैं, इसी सड़क किनारे विधायक और नगर परिषद के कार्यालय हैं। तो जब इस सड़क पर आदमी गुजरता होगा तो उसको क्या क्या दिखाई देता होगा, ये बड़ी देखने वाली बात है। तो ये जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर की स्थिति परिस्थिति इतनी विकट है कि यहाँ पर, पहली बात तो आप जो पौधे लगाए वो देखिए, वो बड़ा ही लगाया तो बड़ा हुआ है, छोटे लगाए छोटे पौधे सिर्फ और सिर्फ यहाँ घूमने वाले मवेशियों के खाने के काम आ रहे हैं। ये जो गड्ढे हैं, खुदे हुए गड्ढे, ये आप इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पौधे किस प्रकार से यहाँ से विलुप्त हो गए हैं। और उसका कारण कि ना तो इस डिवाइडर के बचाव के लिए कुछ है, अगर कुछ रेलिंग वेलिंग लगा दी जाती तो शायद उससे ये खूबसूरत भी दिखता, प्लस ये गार्डन मेंटेन भी होता। ट्री गार्डों की स्थिति आप देख सकते हैं, जो गोबर है वो आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताता है कि पौधे खा लिए जाते हैं, खाद छोड़ दी जाती है। तो ये कुल मिलाकर ये जो एक सर्किल इस डिवाइडर पर दिखाई देता है कि जहाँ पर पौधे लगाए इसलिए जाते हैं कि उनको खाया जा सके, पौधे बड़े होते नज़र ही नहीं आते हैं, बची कुची का सर ये अलग अलग बोर्ड और फ्लेक्स कर देते हैं पूरी, जहाँ अच्छे अच्छे खंभों को भी ढक दिया जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति आता होगा, हम छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, छोटे छोटे कस्बों में जाते हैं, वहाँ पर भी वहाँ की प्रमुख सड़कों को इतना खूबसूरत रखा जाता है कि जब उस सड़क से कोई व्यक्ति, कोई बाहर से आने वाली गाड़ी गुजरती है तो उनको उस शहर के लिए बड़ी अच्छी भावनाएं उनके मन के भीतर रहती है, एक अच्छी छवि लेकर जाते हैं। और ये तो एक ऐसा शहर है जो राजसमंद झील, जो बड़ी खूबसूरत झील है, जो द्वारकाधीश प्रभु का मंदिर, जो आस्थाओं का केंद्र है, उसका शहर है, पर्यटन और धार्मिक आस्थाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और उस केंद्र पर जब लोग आते होंगे और इस सबसे अति महत्वपूर्ण मार्ग से गुजरते होंगे और ऐसा एक डिवाइडर देखते होंगे जहाँ पर पौधे नहीं हैं सिर्फ गड्ढे हैं, पौधे नहीं हैं सिर्फ ट्री गार्ड हैं, ट्री गार्ड है तो पौधे नहीं हैं, और अगर कुछ और नहीं है तो फिर ये तय मानिए कि यहाँ आपको गोवंश की, बैलों की फाइट होती हुई दिखाई देगी, यहाँ आपको कुत्ते सोते हुए नज़र आएंगे। ये मैं उस डिवाइडर की बात कर रहा हूँ जो इस शहर का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। तो अब आपको यहाँ से देखना है कि स्थितियों को इसी प्रकार छोड़ा जाता है या यहाँ से हालात सुधरते हुए दिखाई देते हैं। नगर परिषद के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि नगर परिषद ने कमोबेश इन डिवाइडर पर लगने वाले थंबों को 3 बार बदल दिया होगा, अलग अलग लाइटिंग के प्रयोग हुए हैं, मगर कभी धरातल पर नहीं देखा गया। ऊपर से उजाले पहुँचाने की कोशिश तो कई बार हुई है, मगर नीचे की स्थितियाँ जो है ना उनको सुधारते हुए कभी कोई दिखाई दिया नहीं है। तो ये स्थितियाँ कमोबेश यहीं ऐसी है, और मैं चाहता हूँ कि विधायक जी भी ध्यान दें, मैं चाहता हूँ कि नगर परिषद के सभापति भी ध्यान दें, तो सारा का सारा जो प्रशासनिक अमला है वो भी ऐसा कुछ करे कि हमारे शहर के इस परिचय पत्र से शहर का परिचय बड़े बेहतरीन स्वरूप में लोगों तक पहुँचे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।